मंदसौर में नालछा माता मंदिर में नवरात्रि पर्व पर 9 दिनों तक महाआरती हुई, जिसके बाद बुधवार पर दशहरे चूल का कार्यक्रम आयोजित किया गया। पंडित जी अनुसार बताया गया कि मंत्रों का उच्चारण करते हुए चूल खोदी जाती है और चूल की पूजा अर्चना कर चूल में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। 3 बार चूल को मंत्रोच्चारित किया जाता है, उसके बाद भक्तजन नंगे पैर भगती आग में निकलते हैं और ऐसे मान्यता है कि गहन बीमारियां दूर होती है और चूल में निकलने वाले भक्तों को माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चूल में निकलने वालों भक्तों को ऐसा लगता है कि वो फूल पर चल रहे हैं। अभी तक किसी के साथ अनहोनी नहीं हुई। एहतियात के तौर पर प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड भी मंदिर परिसर में तैनात की गई। बनाया गया है नालछा माता मंदिर पर अश्विन नवरात्रा में दशहरे के दिन शाम को 4 बजे पश्चात वाणी विसर्जन का प्रोग्राम होता है। उसके बाद प्रोग्राम में चूल का प्रोग्राम होता है। चौकरा चूल जो चल रही है उसमें सभी भक्तों का निकलना होता है और सभी भक्त यहां पर जय माता दी बोलकर चूल में चलते हैं और जो चूल में चलते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो फूल पे चल रहे हैं और माँ की कृपा सब पे बनी रहती है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। इस प्रकार से माता का आज 10वां दिन नालछा माता में विसर्जन के साथ समापन हुआ है। जय माता जी। सुरक्षा के लिए जो चिकित्सा के सारे प्रबंध थे, एम्बुलेंस मंगाई गई थी, फायर फाइटर यहाँ पर है, पर चूंकि माँ के आशीर्वाद से कभी यहाँ कोई दुर्घटना हुई नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर सारी व्यवस्थाएं हमने कर रखी थी कि कोई दुर्घटना भी हो जाती है तो उसकी सारी व्यवस्थाएं थी। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था यहाँ और सभी तरह की व्यवस्था की गई। पहले चूल खोदी जाती है, उसकी पूजा की जाती है दिन में खोदने से पहले, उसके बाद चूल पूरी होने के बाद फिर दोबारा पूजा की जाती है और प्रज्वलित करने के बाद तीसरी बार फिर आपने देखा होगा 3 बार चूल की पूजा होती है। विशेष मंत्रों से इसे अभिमंत्रित किया जाता है, तब पश्चात इसमें भक्त लोग निकलते हैं। मंदसौर से पीडी वरागी की रिपोर्ट।